जयंतीपुर पुलिस रक्षा करने के बजाय अपनी जान बचाकर भागती नजर आई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जयंतीपुर थाना मझोला क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी में बैठे युवक पर 10 से 12 बदमाशों ने किया हमला, लेकिन पुलिस अपनी जान बचाकर भागती नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि प्रार्थी एजाज अहमद का कहना है कि मेरी भाभी से मेरी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। इसी बीच पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस भी मौके पर आई और मेरे भाई को पुलिस ले जाने लगी। लेपर्ड पर बैठे मेरे भाई पर अचानक 10 से 12 लोग टूट पड़े, जिनका नाम रहमान और 10 अज्ञात लोग है, जिन्होंने मेरे भाई शहबाज को बहुत मारा और उसका फोन छीन लिया। शहबाज के साले फैजान और शहबाज पर आरोपियों ने जयंतीपुर थाने पर चाकू से हमला किया। जैसे ही परिजनों को सूचना मिली तो परिजनों ने प्रार्थी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसी को लेकर प्रार्थी का कहना है कि पुलिस की गाड़ी से मुझे गिराकर जयंतीपुर चौकी में इंस्पेक्टर असलम के सामने आरोपियों ने चाकू से मारा, जिसकी वजह से मैं जगह जगह बुरी तरीके से घायल हो गया और मेरा एक कान भी कट चुका है, लेकिन जयंतीपुर पुलिस चौकी पर मुझे किसी भी पुलिस वाले ने नहीं बचाया। सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से भागते नजर आए। प्रार्थी का कहना है कि अब हमने थाना मझोले पर तहरीर भी दी है। आरोपी पुलिस के सामने युवक को चाकू से मारा गया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जिससे आरोपियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। जयंतीपुर चौकी के पुलिस योगी सरकार की पिस्तौल से मैं टीचर कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे साले की लड़ाई हुई थी अपने पड़ोसी से किसी बात पे, तो सर मैं बीज बचाव करने गए थे वहाँ पर अपने साले के कहने पर। तो सर बीज बचाव करते में वो लोग समझे कि मैं उन लोगों को मार रहा हूँ, तो उन लोगों ने मुझे अकेले में घेर लिया। वहाँ पे एक असलम सर हैं जयंतीपुर चौकी के, वो भी थे, तो उन लोगों के सामने मुझे चाकू से मारा छोखों से, तो सर मुझे किसी ने बचाया नहीं वहाँ पर, वो 6-7 जने थे। मैं अकेला सर, मुझे बहुत चोट लगी हुई है सर, पीछे कमर में, मेरे सिर पे, कान में, सब में टाक आए हुए हैं सर मेरे। कान की क्या पोजीशन है, कान कट गया क्या? यहाँ सर करीबन 10-12 टाके हैं मेरे कान के अंदर। कट गया कान? कटा नहीं है, लेकिन टाक बहुत जख्मी है सर, कट गया जी। जी क्या वजह थी जो कान की, मतलब झगड़े की? कुछ भी नहीं सर, मैं तो खाली बीज बचाव करने के आया था, उसमें उन सब ने मुझे अकेले में घेर लिया। जब तक मेरे साथ वाले आ पाए या कोई, वो सब भाग गए हैं मुझे मार के। तो क्या मानते हो कि पुलिस के सामने चाकू का हाथ मारा? जी हाँ सर, पुलिस वाले वहाँ पे एक असलम सर हैं, उनके सामने ही मारा मुझे। पुलिस के सामने चाकू का हाथ मारे? जी हाँ सर, जी हाँ, पुलिस उनके असलम सर के सामने, पुलिस वाले जो उनके सामने चाकू का हाथ मारा मेरे सर पीछे से, उन्हीं की गाड़ी पे से मुझे गिराया नहीं चाकू, और सर मुझे बहुत मारा लातों घूसों सबसे। कहाँ का मामला था ये, चाकू का हाथ? ये टीचर कॉलोनी गई, मुझे मेरे घर से लेके जा रहे थे वो असलम सर, बोले तू अपने साले वाले का नाम बताइए। अब सर मैं उनके साथ जा रही था, तो मुझे पीछे से एकदम चाकू का हाथ मार के गाड़ी पे गिराया सबने, 6-7 जनों ने, और सर मुझे बहुत मारा वहाँ, मेरे ब्लेड मारे सिर में, कान पे, पीछे चाकू मारा मेरी कमर पे। उसके बाद यहाँ पर कौन लेकर आया? तो सर यहाँ मुझे कोई नहीं लाया, मुझे सब ऐसे छोड़ के भाग गए, मेरी ये मेरे साले साहब हैं, ये लेकर आए मुझे चार्जिंग वाली गाड़ी में डाल के। तो जब वहाँ पर तुम पड़े हुए थे, पुलिस वाले थे वहाँ पर महसूस के भाग गए थे? भाग गए थे सर, तो मुझे छोड़ के, ये मेरे साले हैं रिजवान, ये लेकर आए मेरे साले हैं, ये साले हैं जी, ये चार्जिंग वाली गाड़ी में डाल के लाए मुझे। अच्छा जी सर, जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो तेरी दे दी आपने? जी हाँ, मंझोले थाने में दे दी। ये कौन सी चौकी गए पुलिस वाले? जयंतीपुर चौकी। जयंतीपुर चौकी? चौकी गए जी। ठीक।